मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन चैप्टर 8 रीड कर रहे थे। अपन ने चैप्टर की रीडिंग कर ली थी। आज अपन चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आज अपन चैप्टर 8 के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आपको न्यूमेरिकल दे रखे हैं ना, इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पेज नंबर 175 पर फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन एथलेटिक कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। देखिए एक कोई एथलेटिक है जो कार राउंड कर रहा है एक सर्कुलर ट्रैक में, राउंड करता है, जिसका आपको डायमीटर कितना दे रखा है 200 मीटर, ठीक है। और इस सर्कुलर ट्रैक के 200 मीटर वाले सर्कुलर ट्रैक के डायमीटर के इसको राउंड करने में कितना सेकंड लगता है, 40 सेकंड लगता है। तो आपको बताना व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तब आपको एथलेटिक द्वारा कंप्लीट की गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है कितने टाइम में, 2 मिनट 20 सेकंड में। तो देखिए जो एथलेटिक है वो सर्कुलर ट्रैक के राउंड कर रहा है। अब देखिए जब भी कोई किसी के चारों तरफ राउंड आ जाता है या चारों तरफ उसके घूमता है या कुछ भी करता है तो राउंड बन जाते हैं। अपने को क्या निकालना है, पेरीमीटर। अब सर्कल की तो पेरीमीटर नहीं होती, क्या होती है, सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो अपन क्या निकालेंगे इसकी, सर्कमफेरेंस। तो देखिए आपको डायमीटर कितना दे रखा है, 200 मीटर। तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ। तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, 200/2=200 मीटर। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड के अंदर क्या करता है एथलेटिक, इस सर्कुलर ट्रैक के चारों तरफ घूमता है। तो सर्कुलर ट्रैक के चारों तरफ घूमेगा तो अपन क्या निकालेंगे, इसकी पेरीमीटर। अब सर्कल की पेरीमीटर नहीं होती तो क्या निकालेंगे, सर्कमफेरेंस। मतलब कि जो एथलेटिक है वो 40 सेकेंड में इस ट्रैक के चारों तरफ घूमता है, मतलब इसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल घूमता है, ठीक है। तो 40 सेकेंड के अंदर वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 2π r। तो 1 सेकेंड के अंदर कितनी कंप्लीट करेगा, 2π r/40। जब भी अपन 1 का निकालेंगे क्या करेंगे, डिवाइड। अब आपको तो ये बोल रहा है कि आपको डिस्टेंस है वो कितने टाइम में निकालनी है, 2 मिनट 20 सेकेंड। तो एथलेटिक द्वारा कंप्लीट की गई डिस्टेंस कितने टाइम में, 2 मिनट 20 सेकेंड में कितनी हो जाएगी, 2π r/40 × 2 मिनट 20 सेकेंड। अब देखिए 2 का तो 2, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू। अभी अपन ने रेडियस कितनी निकाली है, 100 अपॉन टाइम कितना दे रखा है, 40 सेकेंड, ठीक है, मल्टीप्लाई। अभी अपने को देखिए ये वाली जो डिस्टेंस थी ना 2π r/40, ये तो 1 सेकेंड में निकाली गई है, अपने को 2 मिनट 20 सेकेंड में निकालनी है। तो देखिए ये वाला सेकेंड में तो अपन इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट कर दें। अपन जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60। तो 2 मिनट में 120 सेकेंड और 20 सेकेंड कितने हो जाएंगे, 140। तो 2 मिनट 20 सेकेंड को मैंने क्या लिखा, 140 सेकेंड। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल तो ऊपर क्या रहा, 2 × 4 = 4 44 22 × 44 होते हैं ना, और 2 × 0 = 2 0 / 7 × 4 × ऊपर क्या है, 40। अब देखिए 4 से ये वाला कैंसिल हो सकता है, 4 × 4 = 4 और 1100 × 7 से फिर 14 को कैंसिल किया, 7 × 7 = 14। तो आपके पास डिस्टेंस कितनी आई, 2200 मीटर। और अगर अपन इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, 2 किलोमीटर 200 मीटर। ये मैंने डिस्टेंस निकाली इसकी। ऐसे ही आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेस वो आपको डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जितना ये डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितने टाइम में कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा, 2 किलोमीटर 200 मीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जोसेफ जॉक्स फ्रॉम वन एंड टू ए टू अदर बी। देखिए जोसेफ को एक लड़का है, वो क्या करता है कि ए से बी तक चलता है, ए से बी तक कितना दूर चलता है, 300 मीटर, और कितना टाइम लेता है, 2 मिनट 50 सेकेंड। देखिए जोसेफ को एक लड़का है, वो कोई 2 पॉइंट आपको दे रखा है ए और बी, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 300। तो जोसेफ पहले कहाँ था, 0 पर, पॉइंट ए पर उसकी डिस्टेंस क्या थी, 0। अब ये ए से कहाँ तक आया, पॉइंट बी तक, तो ये ए से बी तक आने में कितना चल रहा है, 300 मीटर। तो आपको डिस्टेंस को कितनी दे रखी, 300 मीटर, और इस 300 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट 50 सेकेंड।
पर, और बी पर इसकी डिस्टेंस कितनी थी 300 माइनस इनिशियल, चलना कहाँ से किया था स्टार्ट, ए से, और ए पर इसकी डिस्टेंस क्या थी 0, अपॉन टाइम कितना ले रहा है वो 2 मिनट 50 सेकेंड, तो देखिए 300 में से 0 को माइनस किया देन 300 अपॉन, देखिए मिनट को अपन वापस से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 2 मिनट में 120 और 50 170 सेकंड, 0 से 0 कैंसिल, अगेन उसका एवरेज वैल्यू से कितना गया 30/17 मीटर पर सेकंड। आप चाहे तो इसको और भी कैंसिल करके डिवाइड करके क्वार्टर में भी आंसर ला सकते हैं, या फिर भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये अपने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज की फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है, और सेकेंड न्यूमेरिकल का अपन ने पार्ट ए कम्प्लीट कर लिया है। यहाँ तक का वर्क आपको आपके प्रैक्टिकल में करना है, साथ में इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड के न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। अभी अपन ने सेकंड न्यूमेरिकल का ओनली फर्स्ट पार्ट किया है, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अभी तक तो अपन ने ए से बी तक का डिस्टेंस, ठीक है, ए से बी तक की स्पीड और वेलोसिटी काउंट की है। अब अपन ए से सी पॉइंट की वेलोसिटी और स्पीड काउंट करेंगे, ठीक है।